इस वीडियो में हम जानेंगे BMS सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में और एक एक करके देखेंगे कि उसमें सबसे पहले तो कितने सब्जेक्ट आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का डिवाइडेशन क्या है, कितने पेपर होंगे, उनके कैसा मार्क्स का उनका डिवाइडेशन रहेगा और हर एक सब्जेक्ट के जो है कितने पेपर होंगे आपके, वो देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। यहाँ जैसा कि आप टेबल में देख रहे हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट जो आता है द्रव्य गुना विज्ञान, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आता है रोग निदान, तीसरा सब्जेक्ट आता है रसशाला और चौथा सब्जेक्ट है आपका चरक संहिता। तो टोटल इस तरह आपके चार सब्जेक्ट हो जाते हैं BMS सेकेंड ईयर के लिए। अब इनके हम डिटेल से देखते हैं कि कैसे कैसे इनके एग्ज़ाम और क्या इनका डिवाइडेशन है। तो जैसा कि फर्स्ट सब्जेक्ट था द्रव्य गुण विज्ञान, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद उसको ये हम आयुर्वेद लैंग्वेज में बोलते हैं मॉडर्न से यदि कोरिलेट करेंगे तो फार्माकोलॉजी एंड मटेरिया मेडिका बोलेंगे। इसके लिए लेक्चर भी 200 आवर्स के लिए उसकी टाइमिंग दी गई है लेने के लिए, और जो प्रैक्टिकल्स हैं उनके लिए भी 200 घंटे का जो है आर्ट्स का जो टाइमिंग यहाँ पर मैंशन है। उसके बाद टोटल मार्क्स इसके 400 हैं। तो और अब पेपर देख लेंगे इसके, तो जो है थ्योरी पेपर वो दो होंगे यहाँ पर देख सकते हैं, और हर एक पेपर जो रहेगा 100 मार्क्स का यहाँ पे देखेंगे आप। उसके बाद प्रैक्टिकल जो वाइवा की बात आती तो वो 200 मार्क्स का रहेगा। अब देखते हैं जो दो पेपर हैं वो कैसे कैसे डिवाइड रहेंगे। तो सबसे पहला देखा जाए तो यहाँ फर्स्ट पेपर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो फर्स्ट पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होगा, और 100 मार्क्स में जो होगा जो फर्स्ट पेपर वो दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। जैसे कि फर्स्ट पार्ट ये जो देख रहे हैं ये 50 मार्क्स का है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आपको दिखाऊंगा मैं 50 मार्क्स जो फर्स्ट पार्ट है, और 50 जो रहेगा वो जाएगा पार्ट बी में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसका जो 50 का है उसका भी डिवीज़न यहाँ पे किया गया, पहले तो इन्होंने 20 में डिवाइड किया, और जो यहाँ पे है सेकेंड इसका पार्ट बी का जो सेकेंड है वो 30 मार्क्स में आएगा। और ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस के, ये आप रीड कर लीजिएगा। डाउनलोड में लिंक जो है सिलेबस की वो नीचे लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि एक एक अगर मैं सब्जेक्ट को बताऊंगा तो बहुत डिटेल वीडियो जाएगी और लंबी जाएगी। उसके बाद सेकंड पेपर जो था इसका वो था 100 मार्क्स का, और पहला पेपर भी था 100 मार्क्स का। इसमें जो सेकंड पेपर भी डिवाइड है पार्ट ए और पार्ट बी में, जो पार्ट ए है उसका वो 70 मार्क्स का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 70 मार्क्स इसमें दिए हुए, और जो पार्ट बी है वो देखते हैं तो 30 मार्क्स का है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन करना भूल गए हैं, पर ये जो है 30 मार्क्स का आपको मिलेगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यहाँ सेकंड जो प्रैक्टिकल की बात आती है यहाँ पे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ प्रैक्टिकल्स आपको शो करे गए हैं यहाँ पे। तो ये प्रैक्टिकल्स होंगे आपके स्टेम लीव्स फ्लावर्स एंड पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स फ्रूट सीड्स बार्क रूट, ये सब आप देख लेंगे है ना, क्योंकि मैं आपको केवल डिवाइडेशन बता दे रहा हूँ, जो टॉपिक्स हैं वो आप एक बार रीड कर लीजिएगा। अब प्रैक्टिकल्स जो हैं वो कैसा डिवाइडेशन रहेगा उसमें मार्क्स का, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल्स मार्क्स में डिवाइडेशन कैसे। सबसे पहले जो हर्बेरियम बोला है वो 20 मार्क्स का रहेगा। दूसरा इन्होंने बोला प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है वो भी आपका 20 मार्क्स का रहेगा। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में आपसे फाइलें वगैरह जो बनवाई जाती हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है आपका। ड्रग आइडेंटिफिकेशन जो आपकी स्पॉटिंग रहेगी वो 30 मार्क्स की रहेगी। फोर्थ जो है प्लांट आइडेंटिफिकेशन, ये भी स्पॉटिंग में आएगा, तो ये भी 30 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद जो प्रैक्टिकल है वो 40 मार्क्स का आपका रहेगा। वाइवा जो रहेगा 60 मार्क्स का आपका रहेगा, और ओवरऑल टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो आपके 200 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। उसका नेक्स्ट जो हमारा आता है सब्जेक्ट उसको हम देख लेते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट जो आता है वह जाता है रोग निदान, यहाँ पे देखेंगे आप रोग निदान। इसके लिए पेपर कितने होंगे, थ्योरी के दो पेपर होंगे जो कि 100 मार्क्स में होंगे ईच पेपर आपका, मतलब एक पेपर जो है 100 मार्क्स करेगा, तो दोनों पेपर होंगे आपके 100 मार्क्स, तो टोटल रहेंगे 200 मार्क्स के लिए। पेपर फर्स्ट जो रहेगा वो 100 मार्क्स में यहाँ पे दिया हुआ है 100 मार्क्स के लिए। हाँ एक चीज़ और, जो रोग निदान का जो प्रैक्टिकल है वो 100 मार्क्स का होगा, और वाइवा भी जो है 100 मार्क्स का होगा। और जो पेपर ए का पार्ट ए है वो 50 मार्क्स के लिए डिवाइड होता है। और आगे देखते हैं जो पार्ट बी रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, वो
50 मार्क्स के लिए डिवाइड हो रहा है, टोटल होगा आपके 100 मार्क्स रोग निदान में। अब पेपर जो सेकंड है रोग निदान का, वो आपका 100 मार्क्स में रहेगा। उसके बाद पेपर सेकंड का जो पार्ट है, पार्ट ए, वो 50 मार्क्स के लिए डिवाइड हो जाता है। और आगे चलेंगे पार्ट बी में, तो वो भी जो है आपका 50 मार्क्स के लिए यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। फिर चलते हैं रोग निदान के प्रैक्टिकल्स की ओर। तो यहाँ देखते हैं प्रैक्टिकल यहाँ पर लिखा हुआ है, वो है टोटल 100 मार्क्स के। अब 100 मार्क्स में ये आपके टॉपिक्स हैं प्रैक्टिकल के, ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। जैसे यहाँ यूरिन, स्टूल और ये सब जो प्रैक्टिकल दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा, है ना। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और ये देख सकते हैं प्रैक्टिकल यहाँ लिखा भी है, डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स ऑफ फाइनल पैरा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, है ना। तो मार्क्स डिवाइडेशन देख लेते प्रैक्टिकल के यहाँ पे थोड़ा सा। तो डेली रिकॉर्ड जो है आपका 10 मार्क्स का रहेगा, आइडेंटिफिकेशन जो रहेगा ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो भी 10 मार्क्स का रहेगा, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स जो है वो 20 मार्क्स का रहेगा, शॉर्ट केस जो रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा, लॉन्ग केस जो रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा, वाइवा जो आपका रहेगा वो 30 मार्क्स का रहेगा। तो ये आपका डिवाइडेशन हो गया प्रैक्टिकल का, टोटल ओवरऑल मार्क्स होगा यहाँ पे 100 प्रैक्टिकल के। अब हम चलते हैं अपने थर्ड सब्जेक्ट की ओर, जो कि आता है रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना। इस थ्योरी जो है यहाँ पे उसके 2 पेपर होंगे, मतलब 2 पेपर होंगे थ्योरी के। उसके बाद मार्क्स का डिवाइडेशन जो है 200 मार्क्स के लिए बोला, टीचिंग आर्स इसमें 200 आर्स के लिए बोला, प्रैक्टिकल्स इसमें जो बोले हैं वो भी टोटल मार्क्स 200 बोले हैं, और फिर जो यहाँ पे टीचिंग आर्स है वो भी 200 आर्स के लिए बोला है। रसशाला जो है हमारा सब्जेक्ट, उसका हम पेपर देख लेते हैं। सबसे पहले पेपर ए जो कि है 100 मार्क्स का। अब पेपर ए का 100 मार्क्स का, उसके 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए है वो 50 मार्क्स का हो जाता है। सब पेपर में ऐसे ही चलना, पार्ट जो पेपर है वो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड रहेगा। पहला पेपर 50 मार्क्स का रहेगा, है ना, और सेकंड पेपर पार्ट बी जो आपका रहेगा वो भी यहाँ पे देख सकते हैं 50 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं इसके प्रैक्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ से देखते हैं आप प्रैक्टिकल, यहाँ पे लिखा हुआ प्रैक्टिकल। तो ये टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स आप देख लेते हैं। हम जो भेषज कल्पना है इसका पेपर के बाद जो है हम आगे देखेंगे कि मार्क्स का डिवाइडेशन कैसा है प्रैक्टिकल में, क्योंकि फर्स्ट पेपर जो आपका जो था वो रस शास्त्र का था, और दूसरा पेपर जो सेकंड है वो भेषज कल्पना का है आपका। तो इस सेकंड पेपर में हम सबसे पहले देखेंगे मार्क्स जो है 100 मार्क्स का टोटल पेपर है। पार्ट ए इसमें जो रहेगा वो 50 मार्क्स का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, सेम चलेगा। पार्ट बी जो रहेगा वो भी आपको 50 मार्क्स यहाँ लिखा नहीं हुआ, एक्चुअली वो 50 मार्क्स का ही रहेगा। और टोटल देखिए यहाँ पे दोनों के जो डिवाइडेशन है प्रैक्टिकल मार्क्स के, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स यहाँ देख सकते हैं। रसशास्त्र जो हमारा फर्स्ट पेपर था वो 100 मार्क्स का, उसमें प्रैक्टिकल होना है। 100 मार्क्स का डिवाइडेशन कैसा है, इसमें रिकॉर्ड बुक जो है वो 10 मार्क्स की है, एक्सपेरिमेंट जो है 30 मार्क्स का है, स्पॉटिंग जो है 20 मार्क्स की है, वाइवा जो है 40 मार्क्स का है। भेषज कल्पना जो हमारा सेकेंड पेपर था उसमें भी प्रैक्टिकल 100 मार्क्स के लिए होना था, इसमें बुक रिकॉर्ड जो है वो आ जाएगा 10 मार्क्स के लिए, एक्सपेरिमेंट जो आएगा आपका 30 मार्क्स के लिए, स्पॉटिंग जो रहेगी वो 20 मार्क्स के लिए, वाइवा जो आपका होगा वो होगा 40 मार्क्स के लिए। तो ये होगा सेकेंड जो हमारा थर्ड पेपर था, रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना, जिसके हमने देखे कि जो पेपर हैं वो 2 होने, पहला होना है रसशास्त्र, दूसरा होना है भेषज कल्पना। उसके बाद जो प्रैक्टिकल्स हैं वो भी 100 मार्क्स में डिवाइड होते हैं। पहला हो जाता है रसशास्त्र का प्रैक्टिकल जो 100 मार्क्स का होता है, दूसरा होता है पहला हो जाता है रसशास्त्र का प्रैक्टिकल जो आपका 100 मार्क्स का, दूसरा हो जाता है भेषज कल्पना का प्रैक्टिकल जो वो भी आपका 100 मार्क्स का। इस तरह टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स आपके हो जाते हैं थर्ड सब्जेक्ट में 200 प्रैक्टिकल मार्क्स, और 200 हो जाते हैं आपके थ्योरी पेपर्स के लिए। उसके बाद फोर्थ सब्जेक्ट हमारा आता है चरक संहिता, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, है ना। तो चरक संहिता में इसको हम क्या क्या आएगा इसमें देख सकते हैं, सुश्रुत स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान और इंद्रिय स्थान। बस ये जो 5 स्थान है इन्हीं को आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है, और बाकी जो बचते हैं वो हम पढ़ेंगे थर्ड ईयर में। तो अभी सेकेंड ईयर की बात कर लेते हैं, तो इसमें थ्योरी का जो है एक ही पेपर होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है। इसके लिए लेक्चर की जो बात की गई है वो 200 आर्स का लेक्चर इस पर टोटल लगेगा आपको कंप्लीट करने में सिलेबस। इसके भी जो पार्ट ए है और पार्ट बी है, 2 पार्ट में जिसका जो है मार्क्स का डिवाइडेशन है,
सबसे पहले पार्ट ए की बात कर लें तो जो आपका सुश्रुत सूत्र स्थान है जो आपका, उसमें 40 मार्क्स के लिए आपको आएगा एग्ज़ाम में, और जो इंद्रिय स्थान है उससे 10 मार्क्स के लिए आपको आएगा पार्ट ए में। तो ये होगा पार्ट ए आपका 50 मार्क्स का। पार्ट जो आपका बी रहेगा वो भी रहेगा कितने 50 मार्क्स का, उसमें आएगा निदान स्थान से 15 मार्क्स के लिए, विमान स्थान से 20 मार्क्स के लिए, तीसरा जो है शरीर स्थान से वह जाएगा 15 मार्क्स के लिए। तो ओवरऑल आपके उठाते हैं, पेपर एक ही होगा चरक संहिता का, तो ओवरऑल मार्क्स आपके हो जाएंगे 100। उसके बाद बुक रेफरेंसेस भी यहाँ पे दिए हुए हैं हर एक सब्जेक्ट के, वो आप देख लीजिएगा कौन सी बुक अच्छी है, और हो सकेगा तो मैं वीडियो भी बना के डाल दूँगा। इसका प्रैक्टिकल वगैरह कुछ नहीं है चरक संहिता का, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल का डिस्क्रिप्शन है भी नहीं और प्रैक्टिकल इस पर होता भी नहीं। तो देखते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में।